नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस चहल, चहल उत्सव आयुर्वेदा गोपनपुर। जैसा कि आपको मालूम ही है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको तरह तरह के योगों से अवगत करवाता रहता हूँ। और हमारे जो योग हैं वो शुद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के योग होते हैं। तो आज का जो मेरा योग है वो नमार्ति के संबंध में है। नमार्ति जनी लिंग में उत्तेजना ना आना या उत्तेजना आकर बीच में ही उत्तेजना कम हो जाना, तो इसके कारणों में जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। इसलिए मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए आपने करना क्या है। इसके लिए आपने लेना है तालम खाना 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, बदारी कंद 50 ग्राम, मनमंथ रस 5 ग्राम, शुद्ध बिलावा 2.5 ग्राम, बंगभस्म 2.5 ग्राम, अवरकभस्म 100 पुटी या 1000 पुटी 2.5 ग्राम, शुद्ध शिलाजीत 2.5 ग्राम, केसर 0.5 ग्राम। तो सबसे पहले काष्ठ औषधियों को साफ करके, अगर कोई कूटने वाली औषधि है तो उसको कूट के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद केसर को अलग से खरल में डालकर बिल्कुल ब्रीक कर लें। और जो मनमंथ रस वह दूसरी बस में है उनको भी अच्छी तरह से पीस के खरल करके ऊपर वाली काष्ठ औषधियों में मिला लें। तो इसको मिक्स करके आप किसी अच्छे डिब्बे में डाल के रख लें। इसकी मात्रा आपने 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को, ये खाना खाने के बाद लेनी है, कुनकुने दूध से लेनी है। इसके साथ साथ आप अश्वगंधा रिष्ट 20 ml सुबह 20 ml शाम को बराबर मात्रा में जल मिलाकर ये भी लें तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और गुप्तांग पे लगाने के लिए, जन नांग पे लगाने के लिए एक तेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें क्या लेना है, आपने अश्वगंधा मूल का चूर्ण लेना है 10 ग्राम, लहसुन लेना है 10 ग्राम, जायफल 10 ग्राम, केंचुआ 10 ग्राम, कायफल 10 ग्राम। इन सभी चीज़ों को मोटा मोटा कूट लें और कूट कर इनको लगभग 200 ml सरसों के तेल में मिक्स करके हल्की आग पर पकाएं। हल्की आग पर जब इसमें डाले हुए द्रव्य थोड़े काले पड़ना शुरू हो जाएं तो ये आपका तेल सिद्ध हो गया। तो इस सिद्ध तेल की आपने जननांग पर आगे का भाग छोड़ के मालिश करनी है 10 से 15 मिनट तक सुबह और 10 से 15 मिनट तक शाम को। तो ये इलाज जो है आप एक महीना इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप ये सारी दवाइयाँ नहीं बना सकते तो आप हमारे क्लिनिक से ऑर्डर देकर मंगवा सकते हैं। पेमेंट का मेथड आपको पता ही है, पेमेंट पहले जमा करवानी पड़ती है। और हमारे जो क्लिनिक की दवाइयाँ हैं वो शुद्ध आयुर्वेद की होती हैं, अच्छी कंपनी की बस में डालकर बनाते हैं। आज तक हमने जितने भी हमारे पेशेंट हैं, किसी भी पेशेंट ने आज तक कभी इस बात का हमें उड़ांबा नहीं दिया कि उनको रिजल्ट ना मिला हो। तो अगर आप दवाइयाँ मंगवाना चाहते हैं तो आप हमें 9 से 5 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। अगर आप ये दवाई खुद बनाना चाहते हैं, किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई, कोई द्रव्य के बारे में पूछना है, कोई घटक के बारे में पूछना है, तो भी आप हमें 9 से 5 के बीच कॉल कर सकते हैं। तो ये इतना कुछ कहता हुआ आपसे माफ़ी चाहता हूँ। चैनल हमारा जो चहल उत्सव आयुर्वेदा के नाम से यूट्यूब पे बना हुआ है उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें ताकि हमारा हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।